तो दोस्तों अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और अपना आज हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो मैं निकल गया हूँ अपना कल्टीवेटर लेके, क्योंकि अपने को अब आगे की फसल की तैयारी करना है। तो सबसे पहला काम आज का अपना ये रहेगा कि ये जो पैरा दिख रही है अपने को, ये पैरा को अपन कल्टीवेटर से ही जमा करके एक साइड में कर देंगे और उसके बाद फिर अपनी जो फील्ड है उसको कल्टीवेट करेंगे। तो चलो आज के दिन की शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं, बने रहो अपने वीडियो में, आगे क्या क्या होता है देखते जाओ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो ही करना। तो वैसे तो मैंने यहाँ की जो पैरा है उसको पहले ही सुबह मतलब जमा कर दिया था, अब बस इनको कल्टीवेट करने का काम है। तो ये 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 अपने छोटे छोटे टोके हैं, इनको आज कल्टीवेट करना है अपने को। ये देखो पैरा मैंने यहाँ पे जमा कर दिया हूँ सुबह ही अपनी कंबाइन स्टार्ट होने के पहले। लो के चौथे गियर पे चल रहा है अभी। क्योंकि हाई के फर्स्ट में चल तो रहा था पर झटके बहुत लग रहे थे, इस वजह से लो के फर्स्ट 4th गियर पे चला रहा हूँ। हल्की फुल्की जो पैरा बच गई है उसको भी जमा कर लेते हैं ताकि फिर कल्टीवेशन में कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो बार बार फंसती है फिर। इसलिए एक बार फिर से अपन यहाँ पे ट्रैक्टर घुमा ले रहे हैं। अपनी 2 जो बंदी थी वो तो कंप्लीट हो गई है और 5 भी बज गए अपने, अब ये 2 बची है तो इसका भी काम थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, बस पहले ये थोड़ी पैरा जमा कर लें। दोस्तों अपना कल्टीवेशन का काम 3री फील्ड में चल रहा था और चलते चलते अपने ट्रैक्टर में आ गई है दिक्कत इसके हाइड्रोलिक में, अब ये काम ही नहीं कर रहा है इसका हाइड्रोलिक, तो देखते हैं अब कैसा करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा इसका। कल्टीवेटर तो उठ ही नहीं रहा है जगह से, अब देखते हैं कल्टीवेटर को छोड़ के दूसरे ट्रैक्टर से ले जाना पड़ेगा अपने को। और दोस्तों अभी अपने शाम के 6 बजने जा रहा है और
ट्रैक्टर को जो अपना हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आई थी वो तो सॉल्व नहीं हुई है, तो मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे ना कैसे करके, मतलब रिवर्स करके फिर आगे करके यहाँ तक तो ला लिया, पर ये देखो अपने टायर की हालत फालतू ख़राब हो रहे हैं। कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपना जो नांगर है वो पूरा नीचे ही बैठ गया है और उठने का नाम तो ले ही नहीं रहा है। तो अब एक ही सोल्यूशन बचता है इसका, इसको यहीं पे अपने को छोड़ना पड़ेगा और दूसरा ट्रैक्टर आके इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना सामान भी सेफ़ रहता नहीं है, करके ले जाना भी ज़रूरी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, और अभी इसको लेके ट्रैक्टर को लेके घर चलता हूँ, फिर देखते हैं इसको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में अपना काम चलने वाला है नहीं। तो चलो इसको खोलते हैं। तो दोस्तों मैंने खोल दिया हूँ अपना नांगर और इसको यहीं पे छोड़ के अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो हालत है नहीं अभी कि उसका वज़न उठा ले। तो कोई बात नहीं, अपन उसको दूसरे ट्रैक्टर से ले जा लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बने रहो अपने वीडियोस में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।